हेलो स्टूडेंट्स, एसजीबी जीपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से ई लेक्चर्स की श्रृंखला आरंभ हो गई है। पिछले दिनों जो हमने कुछ ई लेक्चर्स डाले थे, उनमें हम अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं और आपने भी अपने साल पर स्टडीज़ को जारी रखा होगा, क्योंकि परीक्षाएं होने को हैं और इस बार परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, आप सभी जानते हैं, तो इस बार हम ई लेक्चर्स में आपको टीटीसी एलआरडीसी द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया था। इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम ई लेक्चर के माध्यम से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे, आपने अगर खोले हों वो लिंक और देखा हो, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से ही उसमें शुरुआत हो रही है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस पे जो भी एमसीक्यू है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री पे उन पर आने से पहले हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआती जो कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। देखिए वो क्या क्या है हमारे, साइन, इसको हम लिखते हैं साइन थीटा, कोसाइन, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को हम लिखते हैं टेन थीटा, को टेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट थीटा। देखिए, इसमें साइन में को लगा देते हैं तो कोसाइन बन जाता है, टेंजेंट में को लगा देते हैं तो कोटेंजेंट बन जाता है, और सीकेंट में को लगा देते हैं तो कोसिकेंट बन जाता है। और ये इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म है। सीकेंट को हम सेक थीटा लिखते हैं, कोसिकेंट को हम कोसेक थीटा लिखते हैं, टेंजेंट को हम टेन थीटा लिखते हैं, कोटेंजेंट को हम कॉट थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये इनमें देखिए को रिलेशनशिप है एक तरह की, साइन के आगे को लगा दिया कोसाइन, टेंजेंट के आगे को लगा दिया कोटेंजेंट, सीकेंट के आगे को लगा दिया कोसिकेंट। एक इनमें ये रिलेशनशिप और होती है कि ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होते हैं, कॉस और सेक और टेन और कॉट, यानी कि साइन इज वन अपॉन कॉस या कॉस इज वन अपॉन साइन, इस तरह से कॉस वन अपॉन सेक और टेन वन अपॉन कॉट, ठीक है। एक और बहुत सी जो बच्चे गलती करते हैं इम्पॉर्टेंट, कि ये देखिए, ये लाइन जब मूव करती है ओ ए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, तो जो कोण ये बनाती है उसे धनात्मक नापते हैं, इसे हम कैसा नापते हैं, धनात्मक नापते हैं। लेकिन अगर ये लाइन जो ओ ए है हमारी, ये मूव करती है घड़ी की दिशा में, तो जो कोण इधर 45 नापी तो इसे +45 पड़ेंगे, अगर ये नीचे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है हमारी लाइन, तो कोण को ऋणात्मक पढ़ा जाता है। ये बच्चे इसमें हमेशा गलती करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक ASTC रूल आपने पढ़ा हुआ, ये तो हमारा को रूल है, साइन के आगे को लगा दो कोसाइन। एक होता है ASTC रूल। ASTC रूल क्या होता है, ये जो हमारे क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सारे जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अगर थीटा का मान 0 से और 90 डिग्री के बीच में हो, तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे साइन 45 भी पॉजिटिव होगा, कॉस 45 भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, सारे के सारे अगर आप 30 डिग्री निकालेंगे या 60 डिग्री निकालेंगे या 45 डिग्री निकालेंगे तो पॉजिटिव होंगे। तो ये क्यों क्यों होंगे ये पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें अगर कोई कोण है तो उसका साइन और उसका कोसेक ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक अपने आप पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसेक 1/साइन के बराबर होता है। तो देखिए, जैसे इसका मतलब ये हो गया कि साइन 135 डिग्री अगर आपको निकालना हो, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो नहीं, उसका साइन कैसा होगा वो हम देख रहे हैं, तो उसकी साइन होगा पॉजिटिव, तो
कोसेक 135 भी पॉजिटिव, साइन 135 भी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपसे कहें टेंजेंट 135 तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या आपसे कहें कॉस 135 तो वो भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो चार बचे हुए हैं वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो टेंजेंट 225 कहें तो पॉजिटिव होगा, कोटेंजेंट 225 कहें तो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन 225 कहें तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉस 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, सेट 300 डिग्री पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक 300 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कोई कोण अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है तो उसका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये ASTC रूल है जो बहुत काम में आता है। ठीक है, और फिर देखिए किसी कोण का हमको वैल्यू निकालनी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू निकालनी है किसी कोण की, जैसे आपको निकालना है टेंजेंट 225 डिग्री, या आपको निकालना है साइन 750 डिग्री, या सेक 750 डिग्री, या कॉस 750 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे साइन अल्फा निकालना हो, अल्फा कोई कोण है आपका, वो आपको निकालना हो, तो आपको क्या करना है, साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हो, तो आपको क्या करना है, ये स्टेप्स लेने हैं। स्टेप क्या लेने हैं कि जो अल्फा है इसको पाई बाई टू के गुणज पर व्यक्त करना है, यानी कि इसे 90 का भाग लगा लेना है आपको, और कितनी भाग भाग जाता है इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, कुछ भी यहाँ आप ले सकते हो, लेकिन पाई बाई टू के मल्टीपल पे रखना है। ठीक है, अब ये जो एन है इसको ऑब्जर्व करना होता है, ये एन अगर एक सम संख्या है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, और विषम संख्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है, और चेंज कैसे होता है, को रूल से चेंज होता है, वो अभी अपन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए एन अगर सम है तो साइन चेंज नहीं होता, साइन थीटा ही रह जाता है। ठीक है, और विषम है तो कॉस थीटा हो जाता है। इसके बाद हमें इसका चिन्ह निर्धारण और करना पड़ता है साइन अल्फा का, कि साइन अल्फा का चिन्ह कैसा है हमारा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्फा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो आप क्या करेंगे, इस अल्फा को देखेंगे वो कौन से खंड में आता है। अगर ये फर्स्ट और सेकंड में आता है, चूंकि यहाँ साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस में से आपको चिन्ह निर्धारण करना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, कौन से खंड में। तो ASTC से हम इस साइन अल्फा का चिन्ह का निर्धारण करें, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड में होगा तो पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में होगा तो नेगेटिव। ये मैंने साइन का एग्जांपल है, बाकी सारों में भी यही मेथड हमको लगाना है। ठीक है, और अगर एन विषम होता है तो ध्यान रखिए को रूल अप्लाई होता है, और को रूल क्या होता है कि अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे को लगाव नहीं है तो वो लगा दिया जाता है, लगा हुआ है तो हटा दिया जाता है, यानी कि साइन है तो वो कोसाइन में चेंज हो जाएगा, और कोसाइन है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कब, जबकि एन हमारा विषम। तो ये कुछ फॉर्मूले टाइप हैं, ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में काम आएंगे। तो देखिए अब आप जो मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चंस TTC LRDC द्वारा हमको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको भी लिंक मैंने भेजा हुआ है, तो इसके सॉल्यूशंस हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो दो बार रिपीट हो रहा है, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। वैल्यू ऑफ साइन 750 का मान निकालिए। तो देखिए साइन 750 का मान निकालने के लिए, अभी अभी मैंने आपको ये सूत्र बताए थे, ये साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा यदि एन सम है तो, और कॉस हो जाएगा यदि एन विषम है। तो मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा है, इन दोनों में से आपको एक चिन्ह का निर्धारण करना है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, और वो कैसे होगा, आपको ASTC से प्लस या माइनस में से एक यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आप ये देखिए साइन 750 डिग्री है हमारा यहाँ पर, तो साइन 750 डिग्री निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए साइन 750 डिग्री निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको 90 के मल्टीपल पर चेंज कर, तो 90 का भाग लगा दिया हमने, 8 बार भाग गया इस, 8 9 72 30 बच जाएंगे। ठीक है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 90 के मल्टीपल, ऐसे लिख लो 8 × 90 + 30, या ऐसे लिख लो 8 × π/2 + 30। ठीक है, तो ये देखिए ये कितनी बार भाग गया है ये आपको देखना है, ये जो मल्टीपल है हमारा है सम है, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, साइन ये सब कुछ हट जाएगा और साइन 30। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस माइनस में से एक चिन्ह हमको सिलेक्ट करना है ASTC से। अब देखिए किसका ये है, 750 का चिन्ह देखना है हमको, साइन 750 का चिन्ह देगा, तो 750 मूव कीजिए, देखिए क्या आएगा, 8π/2 + 30 डिग्री है, तो देखिए ये 4π/2, फिर ये और आप घूमें तो ये 4π/2, 4π/2 घूमने के बाद हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं आ जाते हैं, तो 8π/2 पर भी हम ये आ जाएंगे, प्लस 30 डिग्री और है, तो ये जो 750 डिग्री है जो हमें कम मिलेगा, जब हम दो बार ये पूरा चक्कर लगा लेंगे और फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 750 डिग्री है वो कहाँ पर स्थित है, ये वाला कोण, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, और चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हमने इसको लिख दिया प्लस साइन 30, एंड दिस इज 1/2। ये आपका आंसर आ रहा है 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था अभी, और फिर भी ये थोड़ा सा इसका रीजनिंग है, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो प्लस माइनस में से एक हमको सेलेक्ट करना है ASTC लगा करके। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, क्वेश्चन नंबर दो है हमारा 570 की वैल्यू निकालिए, साइन 570, तो यहाँ पर भी हमने इसको भाग लगाया 6 × 9 = 54 और आपका 30 बच जाएगा। ठीक है, तो 6π/2 + 30, अब क्योंकि 6 है यहाँ पर सम संख्या है, तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, को रूल यहाँ नहीं लगेगा और यूँ रहेगा -sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री, अब ये माइनस प्लस में से एक सेलेक्ट करना है हमको, तो ये माइनस सेलेक्ट हुआ है यहाँ, वो माइनस कैसे सेलेक्ट हुआ है, देखिए 570 कहाँ आता है, तो 570 को हमने लिखा है 6π/2, तो देखिए ये 1π/2 4π/2 यहाँ पूरे हो गए 360 डिग्री, फिर 5π/2 और फिर 6π/2 और फिर +30 डिग्री, तो ये कहाँ पर आ गए हम, कौन से खंड में पहुँच गए, तीसरे खंड, और तीसरे खंड में जो साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जैसे हमने देखा है तीसरे खंड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इस प्लस माइनस में से हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, माइनस, तो ये तो ASTC से सेलेक्ट हुआ, और यहाँ की यह ये एन क्योंकि सम है इसके कोई कोरूल नहीं लगेगा, साइन आपका साइन ही रहेगा, तो -1/2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये ASTC को बताया है मैंने दोबारा से ही था कि ASTC क्या होता है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये ASTC रूल। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है -420, कॉस -420 की वैल्यू निकालिए, तो कॉस -420। ठीक है, तो जब यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो कोण है उसमें माइनस लगा होता है, तो पहले आप उसे हटा दीजिए, हमारे फॉर्मूले हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर -tan θ, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो यूनिट है उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और आपको क्लास में ही बताए थे ये सारे, तो ये सबसे पहले इस माइनस को हटाइए, -420, तो ये इस सूत्र से क्या हो गया, कॉस 420, अब इसमें आप भाग लगा दीजिए 90 का, ठीक है, तो 9 × 36 और 60 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ ये हमारी जो कितनी बार भाग गया, 4 बार भाग, तो ये सम मल्टीपल पर बदला, π/2 का सम गुणज, तो सम गुणज है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बदलेगा, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब इसके बाद इसका खंड देखिए, खंड क्या बोलता है, 4π/2, तो ये यहाँ से शुरू हुआ 4π/2, मतलब पूरा एक चक्कर हो गया 4π/2 और +30, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी +60, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, कहने का मतलब है जो 420 डिग्री है ये कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा, इसलिए प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा +1/2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये है वैल्यू ऑफ कॉस 62 कॉस 17 साइन 62 साइन 17। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ये हम जानते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ ध्यान रखना है कॉस ए माइनस बी होता है तो यहाँ बीच में प्लस आता है, जब ए प्लस बी होता है कॉस वाले फॉर्मूले में तो यहाँ माइनस आता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 62 कॉस 17 प्लस साइन 62 साइन 17 बराबर कॉस 62 माइनस 17 और ये कॉस 45 और ये 1/√2। तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि टेन अल्फा बराबर 3/5 हो तो साइन 2 अल्फा निकालिए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, साइन 2 ए बराबर 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इससे साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला ये निकल गया आपको। अब साइन 2 अल्फा के फॉर्मूले में आपको टेन अल्फा दे रखा है, रख दीजिए टेन अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, सब्स्टिट्यूट कर ली, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ काम, और ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी मान 15/17, 15/17। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।